स्टूडेंट्स, ये थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है। ओके, इसमें अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके लिए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। ये यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल उसे कहते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। ओके, अब एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मार्क कर लिया, दैट इज़ ए, और ये वाई एक्सिस पर बी आर और सी, यहाँ सी पॉइंट आ जाएगा ये, और ये आ गया आपका डी पॉइंट। ओके, अब इस सर्किल पर कोई एक पॉइंट एज्यूम किया, दैट इज़ पी, और पी का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिया ए कॉमा बी। अब पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज़ एक्स एक्सिस पर, और ओ को पी से ज्वाइन कर लिया, ओ को पी से ज्वाइन कर लिया, और ये एम ले लिया, और ये परपेंडिकुलर है। क्योंकि ये यूनिट सर्किल है इसलिए रेडियस क्या होगा, 1 होगा। अब ओ पी जो है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या है, इसको एज्यूम किया एक्स। ओके, अब हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये दैट इज ओ एम और पी। ओके, ये 1 है, और ओ एम, ओ एम का जो लेंथ हो जाएगा वो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज ए आ जाएगा, और पी एम, पी एम का क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इस ढंग से पी एम बी हो गया और ओ एम ए आ गया। ओके, और ये एंगल है आपका, ये एक्स है। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स इज इक्वल टू, तो आपने रेशियो फार्मूला जो 10th में पढ़ा है वो यूज़ करेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू बी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे कॉस एक्स, विच इज़ इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, विच इज़ इक्वल टू बेस आ गया आपका, ये ए आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस 1, विच इज़ इक्वल टू ए आ गया। अब देखिएगा, जब इस राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पीजीटी अप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। अब ए के लिए हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा, क्योंकि ए कॉस एक्स के इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। ओके, ये आ गया फर्स्ट आइडेंटिटी, इस ढंग से हम प्रूव कर सकते हैं। अब सेकेंड आइडेंटिटी आ जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी का ही हेल्प लेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसे अब नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स से हम बोथ द साइड्स डिवाइड दे रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 आ जाएगा, और प्लस साइन अपॉन कॉस ये 10 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ओके, यहाँ थीटा की जगह पर एक्स लेंगे तो ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x होता है, तो उसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपका 10x, और 1 अपॉन कॉस एक्स जो होता है वो सेक के इक्वल होता है रेसिप्रोकल फार्मूला से, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स, ये सेकेंड आइडेंटिटी मिल गया। ओके, ये आ गया सेकेंड आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी से ही हम ड्राइव करेंगे। फिर अगेन, अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी को यहाँ हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, अब साइन स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे, तो फिर ये जो आ जाएगा, ये जो चेंज होगा वो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स से हम दोनों साइड डिवाइड दे रहे हैं, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ओके, तो कॉस अपॉन साइन, तो हम जान रहे हैं कि ये कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ये हो जाएगा कॉट एक्स।
ओके, और वन अपॉन साइन एक्स, वन अपॉन साइन एक्स ये आ जाता है कॉसेक एक्स हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ये वन आ गया, विच इज इक्वल टू वन साइन, वन अपॉन साइन एक्स ये कॉसेक एक्स है, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये थर्ड आइडेंटिटीज है, ये थर्ड आइडेंटिटी है। ये तीनों आइडेंटिटी को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये आ गया थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी आ गया। अब ये देखिएगा, जस्ट ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है आप उसके जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, इसे आप एक और फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को आर एच एस में लाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और फिर अगर कॉस स्क्वायर को आर एच एस में लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसके एक्चुअल में थ्री फॉर्म है, उसी तरह सेकेंड आइडेंटिटी के भी थ्री फॉर्म होंगे और थर्ड आइडेंटिटी के भी थ्री फॉर्म होंगे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इस सर्किल पर। तो हमने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया कि साइन एक्स इज इक्वल टू बी है और कॉस एक्स इज इक्वल टू ए है, यानी सर्किल पर अगर हम कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये दैट इज ए, ए क्या आ जाएगा कॉस ऑफ दैट एंगल को डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा कॉस ऑफ दैट एंगल एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट जो डिनोट करेगा वो साइन ऑफ दैट एंगल को डिनोट करेगा। ओके, इसी ढंग से चूँकि ये यूनिट सर्किल है, हम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1, 0 ये हम कह सकते हैं, और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 0, 1 आ जाएगा, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट -1, 0 और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट 0, -1 आ जाएगा। ओके, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग दैट इज़ पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 0 है क्योंकि यहाँ नो रोटेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट, और पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा क्योंकि हमारा इनिशियल लाइन ये एक्स एक्सिस है दैट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो बी के लिए जो पॉइंट ओ बी का जो एंगल बनेगा वो 90 बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए के लिए अगर हम 1 लिखना चाहेंगे तो हमने अभी इस पॉइंट से देखा कि यहाँ पर एंगल 0 है, तो उस पर जब कॉस अप्लाई करेंगे कॉस ऑफ 0 तो ये एक्स कोऑर्डिनेट देगा, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए साइन ऑफ 0 देंगे, साइन ऑफ 0 से ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा। उसी ढंग से अब यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आ जाएगा कॉस ऑफ एंगल क्या है यहाँ 90 है, और ये 1 जो आ जाएगा साइन ऑफ 90 वाई कोऑर्डिनेट ये आएगा। इसी ढंग से देखिए OC पर जो एंगल बन रहा है 180 बन रहा है, तो हम इसे बता सकते हैं कॉस 180 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और 0 जो है वो साइन 180 हो जाएगा। ओके, साइन 180 0 आ जाएगा। इसी ढंग से D के लिए अगर हम ये बताना चाहेंगे तो D पर जो एंगल बन रहा है तो वो 270 बन रहा है, 270 तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 270। ओके, का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा साइन ऑफ 270 ये आ जाएगा -1 आ जाएगा, और अगर ये कंप्लीट रोटेट करके फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा तो एंगल जो फॉर्म होगा वो 360 का होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं इस केस में 360 के लिए भी दैट इज़ कॉस 360 1 हो जाएगा, साइन 360 0 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है दैट इज़ ए के लिए कोई एक पॉइंट ले लिया सर्किल पर a, b तो कॉस, और उस पॉइंट वो पॉइंट जो है एंगल बना रहा है एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स इजिकल टू ए आ जाएगा और साइन ऑफ एक्स इजिकल टू बी आ जाएगा। अब एक पॉइंट ले लिया 1, 0 तो कॉस ऑफ 0, अब ये पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 0 है, तो कॉस ऑफ 0 1 आ जाएगा और साइन ऑफ 0 ये 0 ही रहेगा दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो 90 है, तो कॉस 90 का वैल्यू ये एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा और साइन 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, फिर आ जाएगा कॉस 180 का वैल्यू -1 आ जाएगा, उसी ढंग से साइन 180 का वैल्यू 0 आ जाएगा, और फिर
कॉस 270, ओके, डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो है 270, कॉस 270 जीरो आ जाएगा और साइन 270 माइनस वन आ जाएगा, फिर कॉस 360 वन आ जाएगा और साइन 360 जीरो आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, आप ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर ये वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, यानी साइन ऑफ एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल है उस पर जब साइन अप्लाई करेंगे तो वो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर ये साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ एक्स की वैल्यू हम क्या कहेंगे, वो एन पाई कहेंगे, ओके। एन के जगह पे एन क्या है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर है, ओके। एन के जगह पे जीरो ले लेंगे तो ये एक्स का वैल्यू जीरो मिल जाएगा, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है ये मालूम है। एन का वैल्यू वन ले लेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका पाई आ जाएगा, तो पाई मतलब 180, और 180 के लिए जो यहाँ देखिएगा पॉइंट है सी, 180 पर साइन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो और इसी तरह से आ जाएगा ये वापस, ये दैट इज़ अपने इनिशियल पोजिशन ए पर, और एंगल यहाँ क्या ले लेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन है यहाँ, एंगल 360 आएगा, 360 पर फिर कॉस 360 का वैल्यू बना जाएगा, साइन 360 का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो पाई को हम ये कह सकते, 180 को पाई भी कहेंगे और 360 को 2π भी कहेंगे, ओके। तो 1π, 2π, 3π पर साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, nπ लिखेंगे, ओके। उसी ढंग से ये देखेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस पर जो भी एंगल है उसका कॉस का वैल्यू क्या है, जीरो है, ओके। और उसी को हम लिखते हैं, दैट इज़ अगर कॉस एक्स इजिकल टू जीरो है तो एक्स इजिकल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। तो ये दोनों फार्मूले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, और ये 11th के लिए नया भी है। अब नेक्स्ट आ गया साइन 2n π + x, तो 2n π का मीनिंग क्या है, 2n π, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू 2π लिख सकते हैं, ओके। n हमारा इंटीजर है, दैट इज़ 1 × 2π, द 2π मीन्स 360, ओके। और n की जगह पे अगर 1 लेंगे, n की जगह पे क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखेंगे n इजकल टू 1 के लिए आ जाएगा ये 1 × 2π, और फिर n की जगह पे अगर हम 2 ले लेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 2, तो ये जो एंगल आ जाएगा वो 2 × 2π आ जाएगा। फॉर n इज इक्वल टू 3 के लिए एंगल क्या आ जाएगा, 3 × 2π। तो यहाँ इस जगह जो है 2n π + x, ओके, 2n π + x, इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो साइन x ही आ जाएगा, और फिर cos 2n π + x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो cos x आ जाएगा, ओके। आप 2n π का क्या मीनिंग है यहाँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये हमारा इनिशियल लाइन है, और यहाँ से यानी 2π का मल्टीपुल है, 2π का इंटीग्रल मल्टीपुल है, यानी अगर 1 × 2π है तो ये एक रोटेशन हुआ, फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आ गया। अगर 2 × 2π है, दैट इज़ 2 × 360 है, तो फिर ये अपने दो कंप्लीट रोटेशन ये इसने कंप्लीट किया, ओके। 3 × 3π है तो ये 3 रोटेशन कंप्लीट करेगा, ये है, उसी को हम ये कहेंगे, जैसे ये है। तो अगर ये हमारा इनिशियल लाइन है, 2π के लिए एक कंप्लीट रोटेशन आएगा, दैट इज़ 1π के लिए ये आ जाएगा, ओके, और 2π के लिए फिर ये आ जाएगा, फिर 3π के लिए यही रोटेट करके है ना, 3π आ जाएगा, एक 2π के लिए ये एक कंप्लीट रोटेशन है, ओके, 2π के लिए एक कंप्लीट रोटेशन आ जाएगा, ये दैट इज़ ये आ गया, और फिर 2 × 2π के लिए 2 कंप्लीट रोटेशन करेगा, 3 × 3π के लिए ये रोटेशन कंप्लीट करेगा, ओके। तो अपने इनिशियल पोजीशन पर ही ये आ जाएगा, अगर 2n π का मतलब यही हो गया कि अपने इनिशियल पोजीशन पर आएगा, प्लस x करेंगे तो फर्दर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो 2n π + x, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो साइन x आ जाएगा। उसी तरह cos 2n π + x, ये क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ओके। अब नेक्स्ट ये देखते हैं, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक सर्किल ले लिया, इस पर ये जो है पॉइंट P1, उसका कोऑर्डिनेट a, b लिया, तो चूंकि ये पॉइंट जो P1 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो a और b दोनों पॉजिटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव होगा, ओके। अब इसका क्या मीनिंग है,
कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो कॉस ऑफ दैट एंगल भी पॉजिटिव होगा और साइन ऑफ दैट एंगल भी पॉजिटिव होगा। साइन और कॉस पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव होगा, और साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो साइन कॉस टेन कॉट सभी का वैल्यूज़ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं एक्स क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हम सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखेंगे तो बी जो है वो साइन ऑफ दैट एंगल के लिए आता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, बस सिर्फ पॉजिटिव वाले को देखेंगे। ओके, और बाकी यहाँ कॉस का वैल्यू नेगेटिव है तो वो अभी कंसिडर नहीं करना, हम ये देखना चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चूंकि बी पॉजिटिव है तो साइन ऑफ दैट एंगल, अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा चूंकि बी यहाँ पॉजिटिव है। अब देखेंगे ये पॉइंट पी थ्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्वाड्रेंट वाई क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस ऑफ दैट एंगल भी निगेटिव होगा और साइन ऑफ दैट एंगल भी निगेटिव होगा। ओके, और दोनों का रेशियो दैट इज टेन एक्स ये पॉजिटिव होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे ऑल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉस एक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि यहाँ कॉस और साइन निगेटिव है तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव हो जाएगा। इसको याद रखेंगे 10, और 10 अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो यानी कॉस पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करता है, कॉस ऑफ दैट एंगल को, कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल जो आ जाएगा वो सेक भी पॉजिटिव होता है। ओके, पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल, सेक भी पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ इसको अब हम याद रखेंगे। ओके, इस चीज़ को फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ओके, अब ये देखेंगे साइन ऑफ माइनस एक्स, इसका वैल्यू माइनस कैसे आ गया ये, तो अब उसी लॉजिक से ये देखेंगे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारा इनिशियल लाइन ये है। ओके, इनिशियल लाइन ये है, अब ये कह रहा है के इनिशियल लाइन और साइन ऑफ माइनस एक्स, ये कह रहा है साइन ऑफ माइनस एक्स चूँकि एंगल निगेटिव है, ये निगेटिव साइन है तो रोटेशन क्या आएगा, क्लॉक वाइज आएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने यहाँ देखा सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो साइन जो होगा एंगल चूँकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन निगेटिव हो जाएगा तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। उसी ढंग से अगर हम कॉस का वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कॉस ऑफ माइनस एक्स ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में को अप्रोच कर रहा है, देयरफॉर हम ये कहेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। ओके, अब वही साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन क्वाड्रेंट ये आ गया, आपको इसे याद रखना है, दैट इज अभी वही बताया था, दैट इज ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स डैश वाई डैश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक और इसमें आ जाएगा टैन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये कॉस और सेक आ जाएगा। इसी को हम इस ढंग से हम याद रखते हैं कि ए लिख लिया, ए फोर ऑल हो गया और एस फोर साइन हो गया, टी फोर टैन और सी फोर कॉस हो गया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस ढंग से हम याद रखते हैं। ओके, अब इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एक्सरसाइज 3.2 में है, ये आपके 5 क्वेश्चन है, 5 सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ओके, फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1-5। ओके, इफ़ कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 और जो यहाँ एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ओके एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट और कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ, तो हमें फाइंड करना है रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये फाइंड करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे दैट इज कॉस एक्स इक्वल टू -2 और एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम इसे यहाँ
हमें रिमेनिंग फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यूज फाइंड करना है, तो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक सेक एक्स, तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू। ये दो का वैल्यूज तो इजीली आ गया। अब हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है उसके लिए कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ओके तो हम यहाँ कह सकते हैं सिंस साइन, हम जान रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। ओके तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, हम ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस के लिए माइनस वन बाई टू लिखा और फिर उस पर स्क्वायर ले लिया विच इज़ इक्वल टू वन आ गया। तो यहाँ से आ गया आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस वन अपॉन फोर इज इक्वल टू वन आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन फोर, तो ये आ जाएगा आपका थ्री अपॉन फोर आ जाएगा। फिर यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन फोर आ जाएगा विच इज़ नथिंग बट विच इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस रूट थ्री और अपॉन टू आ गया। इस ढंग से हम साइन एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब साइन एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव भी एक निगेटिव है, तो हम देखेंगे एक्स किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट देयरफोर, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, तो इसमें साइन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। देयरफोर हम साइन का वैल्यू यहाँ ले लेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू आ गया। अब साइन का वैल्यू आ गया तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स हम फाइंड कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे माइनस टू अपॉन रूट थ्री आ जाएगा। तो इस ढंग से हमने साइन एक्स कॉस एक्स का भी फाइंड कर लिया। अब टेन एक्स का हमें फाइंड करना है, तो टेन एक्स के लिए लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लेंगे। तो साइन एक्स के लिए आ गया माइनस रूट थ्री अपॉन टू और कॉस एक्स के लिए माइनस वन अपॉन टू, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया रूट थ्री आ गया। और उसी ढंग से अब रूट थ्री का टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट एक्स, तो कॉट एक्स तो रूट थ्री का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। इस ढंग से हम रिमेनिंग फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसे हम कहेंगे टेन एक्स का वैल्यू दिया हुआ, तो टेन एक्स का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉट एक्स, कॉट एक्स इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे माइनस ट्वेल्व अपॉन फाइव आ जाएगा। ओके टेन और कॉट इजली आ गया। अब हम नेक्स्ट जो फाइंड करेंगे फिर इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो नो विच इज इक्वल टू वन और प्लस टेन स्क्वायर का माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व और इसका स्क्वायर आ गया विच इज इक्वल टू वन प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन वन फोर्टी फोर विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेके हम जब सॉल्व करेंगे तो वन सिक्सटी नाइन अपॉन वन फोर्टी फोर आया। अब यहाँ से आ जाएगा सेक एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर को सर लाया तो प्लस और माइनस रूट 169 अपॉन 144 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 13 अपॉन 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स का वैल्यू एक पॉजिटिव भी और निगेटिव भी है, तो हम देखेंगे एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो यहाँ जो दिया हुआ एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम जान रहे हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो यहाँ जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए sec x का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। तो इसे लिखेंगे सिंस x lies इन सेकेंड क्वाड्रेंट therefore sec x इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 12 आ जाएगा। अच्छा sec x हमने फाइंड कर लिया, तो इसका sec x का रेसिप्रोकल हो जाएगा cos x, cos x इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे माइनस 12 अपॉन 13 आ गया। अब नेक्स्ट हमें मालूम है tan cot sec और cos, अब हमें sin फाइंड करना है। तो sin के लिए हम ये कह सकते हैं दैट इज sin x को या ऐसे लिख सकते हैं दैट इज tan x और इनटू cos x, चूँकि टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो कॉस कॉस कैंसिल होकर ये साइन एक्स आ जाएगा। अब टेन एक्स का वैल्यूज दिया हुआ है
दैट इज माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व, माइनस फाइव अपॉन ट्वेल्व और इंटू कॉस एक्स का आ जाएगा आपका माइनस ट्वेल्व अपॉन थर्टीन विच इज इक्वल टू, ये ट्वेल्व और ट्वेल्व कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव अपॉन थर्टीन आ गया साइन। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये थर्टीन अपॉन फाइव आ जाएगा। इस ढंग से हम रिमेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है ये रिमेनिंग क्वेश्चन, इसमें आप थ्री क्वेश्चन है वो सिमिलर टाइप के आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सिक्स है हमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसका, ओके दैट इज हमें फाइंड करना है साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री। तो हमने अभी ये एक फार्मूला पढ़ा था साइन 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स होता है, ओके तो इसी ये 2n पाई का क्या मीनिंग है कि 1 इंटू 2 पाई कर लीजिए और n की जगह पे 2 लेंगे तो आ जाएगा ये 2 इंटू 2 पाई, 3 ले लेंगे तो 3 इंटू 2 पाई आ जाएगा, ओके 3 इंटू 2 पाई आ गया। तो इसी फार्मूले से अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो साइन 765 इसको हम लिख सकते हैं 720 और प्लस ये आ जाएगा 45 लिख सकता है। ये 720 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 45, तो 360 होता है 2 पाई के बराबर, तो यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर जो मैंने 2 पाई लिखा 360 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 है और प्लस 45 है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका साइन 45 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1/√2 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन में है आपको फाइंड करना है कॉस एक्स माइनस 1410। तो अब यह जान रहे हैं कि साइन ये एंगल अगर निगेटिव है तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, एंगल निगेटिव है तो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम लिखेंगे एंगल यहाँ कुछ भी है माइनस एन क्लॉक वाइज, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स सिर्फ कॉस पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग निगेटिव होता है, यहाँ कॉस एक्स है तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस एक्स 1410। अब 360 के मल्टीपुल में हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, नौ विच इज़ इक्वल टू ये आ गया माइनस, फिर आ जाएगा ये कॉस एक्स। 360 का मल्टीपुल अगर आप देखेंगे तो एक आता है 360, टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे 723 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1080 आ जाएगा, और फोर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0 4 6 24 देन 2 4th ये आ जाएगा, ओके तो यही सब एंगल में हमें ओके इसे एक्सप्रेस करना है। तो 1410 तो 1414 के लिए हम लिख लेंगे, इसको 1410 को लिख सकते हैं 1440 और माइनस क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, ओके अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो है माइनस कॉस एक्स ये 14 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 360 और माइनस 30 है, तो यहाँ 360 का ये इंटीग्रल मल्टीपुल है, इसका क्या मीनिंग है कि ये रोटेट करके अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, फिर एंगल नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव है कि वहाँ से बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये माइनस एन ऑलरेडी था, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस एक्स 30 डिग्री आ जाएगा, ओके नो विच इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये आ गया कॉस एक्स 30 आ गया विच साइन 30 का 1/2 तो कॉस एक्स 30 का आ जाएगा ये 2 आंसर आ जाएगा, ओके हमने जो यहाँ फार्मूला यूज़ किया है साइन 2n पाई प्लस एक्स, ओके ये फार्मूला यूज़ करके यहाँ सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है इसमें जो मैंने फार्मूले बताए हैं एक दैट इज साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यों हो गया, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, कॉस माइनस एक्स क्या आ गया माइनस कॉस एक्स, इसी ढंग से हम रिमेनिंग का भी हम बता सकते हैं दैट इज 10 माइनस एक्स
तो माइनस मतलब ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच करा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है तो ये आ जाएगा टेन एक्स, फिर आ जाएगा टेन के बाद टेन और कॉट का सिमिलर हो जाएगा, फिर आ जाएगा सेक और कॉस एक्स, अगर सेक के साथ भी है माइनस एक्स तो ये आ जाएगा चूँकि सेक ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में से कॉस पॉजिटिव होता तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो जाता है, इस केस में ये आ जाएगा आपका सेक आ जाएगा, ओके सेक एक्स। तो इस ढंग से हमने सॉल्व किया ये सेवन्थ क्वेश्चन, ओके। अब नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है टेन नाइनटीन पाई अपॉन थ्री, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन टेन नाइनटीन पाई को हम लिख सकते हैं सिक्स दैट इज एटीन पाई, दैट इज हम लिख सकते हैं एटीन पाई प्लस पाई अपॉन थ्री लिख सकते हैं, नाउ विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा टेन एटीन पाई अपॉन थ्री, एटीन पाई अपॉन थ्री और प्लस पाई अपॉन थ्री विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा टेन सिक्स पाई प्लस पाई अपॉन थ्री, सिक्स पाई क्या है टू एन पाई है, टू एन पाई के फॉर्म में है तो टू एन पाई प्लस एक्स सभी के लिए साइन कॉस टेन सभी पर सेम फार्मूला यूज होगा तो ये आ जाएगा आपका टेन पाई बाय थ्री आ जाएगा, नौ टेन पाई बाय थ्री दैट इज सिक्सटी है, टेन सिक्सटी का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री, इस ढंग से हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है साइन माइनस एलेवन पाई बाय थ्री, तो साइन माइनस एक्स माइनस हो जाएगा माइनस दैट इज हम लिख सकते हैं साइन एलेवन पाई अपॉन थ्री आ गया, ओके। अब नेक्स्ट जो है ये माइनस आ गया और फिर ये साइन आ जाएगा, एलेवन पाई को हम लिख सकते हैं ट्वेल्व पाई और माइनस पाई अपॉन थ्री आ जाएगा, ओके। नाउ विच इज इक्वल टू ये माइनस फिर ये आ गया साइन ट्वेल्व पाई अपॉन थ्री तो ये आ जाएगा फोर पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, तो फोर पाई जो है उसे हम क्या जानते हैं माइनस साइन टू इंटू टू पाई माइनस पाई बाय थ्री आ जाएगा, तो टू ये टू एन पाई के फॉर्म में है तो ये आ जाएगा, और ये टू एन पाई का क्या मीनिंग है कि ये अपने फिर से इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया रोटेट करके, ओके इनिशियल पोजीशन पे, उसके बाद माइनस पाई बाय थ्री है तो यहाँ के बाद चूँकि एंगल निगेटिव है तो ये आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है तो ऑलरेडी माइनस साइन है यहाँ तो माइनस ऑफ माइनस साइन पाई बाय थ्री आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू साइन पाई बाय थ्री दैट इज साइन सिक्सटी का वैल्यू जो था वो रूट थ्री अपॉन टू आ गया, ये आंसर। इस ढंग से हम वैल्यूज फाइन करेंगे। सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस दिस, ओके कॉट ऑफ माइनस दिस, तो हम ये जान रहे हैं कि साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस ये क्यों होता है चूँकि ये जो माइनस एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है तो कॉस ऑफ माइनस एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट को अप्रोच कर रहा है कॉस पॉजिटिव होता है तो ये कॉस एक्स आ जाएगा, अगर इसके सिमिलरली हम टेन एक्स के लिए भी लिख सकते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन एक्स भी निगेटिव होता है तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा, उसी तरह कॉट एक्स का आ जाएगा सभी के लिए होगा कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा सेक और कॉस एक का भी, तो यहाँ पे कॉट ऑफ माइनस एक्स है तो इसे लिख सकते हैं माइनस कॉट फिफ्टीन पाई अपॉन फोर लिख सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू माइनस अब ये आ जाएगा कॉट 15 को हम लिख सकते हैं 16 पाई और माइनस पाई फिर अपॉन में आ जाएगा 4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस कॉट 16 पाई अपॉन 4 और माइनस पाई अपॉन 4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये आ गया माइनस कॉट 16 पाई अपॉन 4 ये आ गया 4 पाई और माइनस पाई बाय 4 आ गया तो विच इज इक्वल टू अब 2n पाई माइनस एक्स है तो देखिए 2n पाई का क्या मीनिंग है और माइनस एक्स है फोर्थ क्वाड्रेंट को में आ रहा है एंगल तक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होगा तो ये माइनस ऑलरेडी था फिर माइनस कॉट पाई बाय 4 आ जाएगा नाउ विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा कॉट पाई बाय 4 आ जाएगा कॉट पाई बाय 4 दैट इज़ 45 डिग्री टेन 45 का वैल्यू 1 होता है इसलिए कॉट 45 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आ जाएगा तो ये आंसर आ गया टेंथ क्वेश्चन का ओके इस ढंग से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया ओके थैंक यू।